नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSC गुरुजी में। जी हाँ दोस्तों, आज 18 मई 2018 आज KVS के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया कि आखिरकार जो बच्चे रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे LDC की पोस्ट के लिए जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, या UDC की और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उन बच्चों का जो है अब इंतज़ार ख़त्म हो गया है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इसका जो रिज़ल्ट है आज घोषित कर दिया गया है, और क्या कट ऑफ गई है वो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आप मेरे साथ बने रहे लास्ट तक ताकि आप लोगों को पता लग सके आखिरकार कितनी जो कट ऑफ गई है, जितने आपने सोचा था क्या उतनी गई है या उससे कम या उससे ज़्यादा। तो इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि आप लोगों को ऐसा ही लाइव अपडेट मिलता रहे, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक भी शेयर कर दें जिन्होंने भी KVS का एग्ज़ाम दिया था। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आखिरकार क्या नोटिफिकेशन जारी करके KVS ने बताया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन विल बी कंडक्टिंग द स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस ऑफिसर असिस्टेंट UDC और स्टेनोग्राफर Grade 2 एंड LDC टू बी फिल्ड थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द ईयर ऑफ 2017 एंड 18। तो इन्होंने बताया है कि जो स्किल टेस्ट कब तक होगा, अभी जो है आपकी डेट रिलीज़ नहीं हुई है, और जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे पता लग जाएगा, आप एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो लास्ट इन्होंने क्या बोला है, नेक्स्ट देख लेते हैं पैराग्राफ में क्या है। फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस ऑफिसर असिस्टेंट एंड UDC द स्किल टेस्ट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर। तो बताया है कि इन तीन पोस्टों के लिए जो क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। कैंडिडेट हैव टू ऑब्टेन मिनिमम 40% मार्क्स इन द कंप्यूटर प्रोफेशनलिटी टेस्ट, मतलब 40% जो है उन्हें CPT में लाने होंगे 40% मार्क्स। तो नेक्स्ट देख लेते हैं आखिरकार जो आपका कितनी कट ऑफ गई है, और इतनी कट ऑफ गई है तो किस वजह से गई है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें फाइनेंस ऑफिसर की, बात कर लें तो ये गई है जर्नल की 107.355 की गई है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई है। ST की बात कर लें तो 83.613, तो ये कट ऑफ गई है फाइनेंस ऑफिसर की। असिस्टेंट की बात करें तो 109.686 कट ऑफ गई है दोस्तों, देख लीजिए। और OBC की 108.679 कट ऑफ गई है। SC की 102.642 कट ऑफ गई है। ST की 95.597 कट ऑफ गई है। OH की बात करें तो 96.604 कट ऑफ जो है गई है। किसके लिए गई है, वो है असिस्टेंट की पोस्ट के लिए गई है इतनी कट ऑफ। नेक्स्ट हम बात करें, आप UDC की बात कर लेते हैं, UDC की भी देख सकते हैं 89.560 की कट ऑफ गई है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ है ये भी। OBC की बात करें तो मतलब देख लें, इसमें OBC और जर्नल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 मार्क्स का ज़्यादा ज़्यादा डिफरेंस है, और समथिंग कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस होगा, तो ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। जर्नल और OBC की लगभग कट ऑफ थोड़ा सा डिफरेंस है, 1 आध मार्क्स का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और SC की वहीं बात करें तो 83.522, और ST की बात करें तो 76.478 की जो कट ऑफ गई है। OH की बात करें तो आप ये देखें OH की कितनी कट ऑफ गई है, 82.516, ये बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ है दोस्तों। और VH की 61.384 कट ऑफ गई है। HH की बात करें तो 69.434 की कट ऑफ गई है। एक्स सर्विस मैन की देख लें जो कि इतनी कट ऑफ नहीं जाती है, फिर भी एक्स सर्विस मैन की 85.535 की जो है कट ऑफ गई है दोस्तों। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टेनोग्राफर Grade 2 की, जो कि ये भी बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ में से है, 77.551 की कट ऑफ गई है। अब मैंने जो आपको बोला था कि OBC की कट ऑफ एज आपके जो जर्नल से ज़्यादा जाने के चांसेस है वो आप देख लें, तो ज़्यादा ज़्यादा 1 नंबर का फ़र्क है यहाँ पे, 76.531 तो ये कट ऑफ गई है OBC की, 1 नंबर का डिफरेंस है जर्नल और OBC में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। SC की बात करें तो लगभग लगभग सेम कट ऑफ है, 76.531 की कट ऑफ है, जो कि बिल्कुल सेम है। और ST की बात करें तो 71.429 की कट ऑफ गई है। और OH की बात करें तो ये देखें कि ST से ज़्यादा गई है OH की कट ऑफ, 72.449 की,
और VH की बात करें तो 69.388 और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 54.082 की कट ऑफ जो गई है। और नेक्स्ट जिन बच्चों को इंतजार है आखिरकार LDC की पोस्ट के लिए कितनी कट ऑफ गई है, तो LDC की पोस्ट के लिए दोस्तों क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर था और कितनी कट ऑफ गई है जर्नल की, तो 83.358 की जो कट ऑफ गई है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ है। इतना अनुमान किसी ने भी नहीं लगाया था कि आखिरकार इतनी कट ऑफ जो है जा सकती है। ये एक फैक्टर है कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया अडॉप्ट की गई है KVS के द्वारा, ये भी अफेक्ट कर रहा है जो कट ऑफ को बढ़ाने में। और नेक्स्ट है कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी जिसकी वजह से कट ऑफ इतनी हाई गई है, और इतनी कट ऑफ हाई गई है तो अब हमें इंतज़ार रहेगा कि आखिरकार जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो कितनी जाएगी। लगभग आप मान लीजिएगा 7 से 8 नंबर ऐड कर लें, क्योंकि आप ये अंदाज़ा लगाए 83.358 उस बच्चे के नंबर हैं जो सबसे लास्ट में चुना गया है, मतलब सबसे लास्ट वाला बच्चा है ये, और इससे ऊपर ही हैं लगभग सारे बच्चे। तो इनसे ऊपर जो हैं बच्चे तो उनके जो है मार्क्स अच्छे होंगे, लगभग 90, 92, 95 तक मार्क्स होंगे होंगे। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि आखिरकार फाइनल मेरिट लिस्ट कितनी जाने वाली है। तो जिन बच्चों के कम नंबर हैं वो तैयारी जारी रखें अपने स्किल टेस्ट की, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बात कर लें OBC की, 83.208 तो कोई डिफरेंस नहीं है, लगभग पॉइंट समथिंग का डिफरेंस है। SC की बात करें तो 81.689 लगभग 1.5 नंबर का डिफरेंस है बस। और बात करें ST की तो 78.398 की कट ऑफ गई है। OH की बात करें तो 80.386 की कट ऑफ गई है। VH की 80.094 की कट ऑफ गई है। HH की बात करें तो 72.587 की कट ऑफ गई है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 74.153 की जो है कट ऑफ गई है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ है, और मेन रीज़न जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं थी, इसी वजह से इतनी कट ऑफ गई है। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो ये कट ऑफ आपको बहुत ज़्यादा डाउन दिखती और इतने बच्चे जो है बाहर नहीं होते, उनका भी पेपर क्वालिफाई होता और वो भी स्किल टेस्ट दे पाते। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाए, इतने मार्क्स नहीं है, तो आप अपने पर विश्वास बनाए रखें और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे रहें। जिस एग्ज़ाम की, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं चाहे CGL की, तो किसी ना किसी में आपका ज़रूर होगा, बशर्ते आपको अपने पर विश्वास बनाए रखना होगा। और जिन बच्चों का क्वालिफाई कर गए हैं तो उन बच्चों को बहुत ज़्यादा मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और वो और अच्छी तैयारी जारी रखें अपनी स्किल टेस्ट की, ताकि वो अपना स्किल टेस्ट एग्ज़ाम क्लियर कर सके। तो दोस्तों यही मेरे को आपको बताना था, ये अभी का लेटेस्ट अपडेट है। तो आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, जिन्होंने भी KVS का एग्ज़ाम दिया हुआ है, LDC का, UDC का, और स्टेनोग्राफर और आपका असिस्टेंट, इन पोस्टों के लिए जिन बच्चों ने भी एग्ज़ाम दिया उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाएं। और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों, आपका जो लाइक मेरे को मिलता है तो मुझे लगता है कि मेरे द्वारा अब तक जो बात पहुंचाई गई है वो आप तक सही तरीके से पहुंची है। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।